ये हजारीबाग नगर निगम को कचरा फेंकने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये क्या है, कचरा को डालिए और यहीं पे जला करके इसको खत्म कर देंगे, फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। अगला को भाड़ा हम देते हैं, अगला को ऐसी करते हैं तो आदमी को पहुंच नहीं पाता है, तो हम इसे परेशान रहते हैं कचरा से इसे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सफर नया भारत में। दोस्तों अभी हम खड़ा है हजारीबाग में और हजारीबाग में आप देखेंगे कि कोर्रा चौक इधर बगल में है और यहाँ से आप देख पाएंगे देवांगना चौक है और उसी के बीच में हम यहाँ पे आज खड़े हैं और आज आपको एक सच्चाई दिखाने वाले हैं। आज आपको ऐसा चीज दिखाने वाले हैं जो आप देखेंगे कि हमारे समाज में वो गंदगियाँ फैला रहा है। जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे, ये हमारा है हजारीबाग नगर निगम का लगा हुआ और यहाँ से आप जैसे कि देखेंगे ये हमारा लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर, और आप देखेंगे कि एक कदम स्वच्छता की ओर है। ये हमारे मोदी साहब चाहते हैं कि ये हमारा जो देश है वो स्वच्छ बनेगा, एक बनेगा और बेहतर बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्वच्छता अपनाओ, अपने हजारीबाग शहर को सुंदर बनाओ। आप हमें ये बताइए कि यहाँ से ये कचरा का जो तो डब्बा लगा हुआ है कि यहाँ से क्या होगा, ये कचरा को हटा करके कहीं दूर जा करके फेंका जाएगा ताकि क्या है, ये हमारा जो हजारीबाग शहर है ये स्वस्थ बनेगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कचरा तो एक कचरा साफ कर रहा है लेकिन क्या है, ये प्रदूषण के वजह से आप देखेंगे कि हजारीबाग नगर निगम को कचरा फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये क्या है, कचरा को डालिए और यहीं पे जला करके इसको ख़त्म कर देंगे, फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों ये सारा कुछ, इतना जो कचरा है आपके ही साथ यहाँ देखेंगे कि ये सब कुछ जला हुआ है और ये कचरा तो ख़त्म हुआ, कचरा तो यहाँ से ख़त्म हो गया लेकिन आप देखेंगे इससे जो निकलने वाला धुआँ है ये पूरे वातावरण को यहाँ से प्रदूषित कर दिया है। यहाँ से सारे लोग गुजर रहे हैं, ये सारे लोग भी यहाँ के जो महक हैं, ये वातावरण है, यहाँ से शुद्ध हवा नहीं ले पाते हैं। तो ये किस प्रकार की नगर निगम है और किस प्रकार से ये स्वच्छता के खिलाफ काम करता है, कैसे ये हमारा हजारीबाग स्वस्थ हो सकता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे दोनों तरफ इसका फाटक खुला है लेकिन यहीं पर आप देखेंगे इसमें जितने भी कचड़े हैं वो सारा कुछ जल करके राख हो रहा है और हजारीबाग जो नगर निगम है इसको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जितने भी निवासी हैं ये फिर से यहाँ पे कचरा डालेंगे और क्या होगा, वो फिर से इसी प्रकार से जला करके राख कर देंगे। और यहाँ से आप देखेंगे ये जो पूरा बना हुआ है, ये कंटेनर जो रखा हुआ है ये भी जल करके काला हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा हजारीबाग बदलता हुआ हजारीबाग है, लेकिन हम इस प्रकार से कैसे बदल सकते हैं, हम कैसे हजारीबाग को स्वस्थ की कामना कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं इस प्रकार से कि हमारा हजारीबाग स्वस्थ बनेगा। एक तरफ तो ये कचरा खाली हो रहा है लेकिन दूसरे तरफ से हमारा ये वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारा ये क्या है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा स्वच्छता अभियान सफल हो लेकिन क्या है, इस प्रकार से जला करके ख़त्म ना किया जाए, इसका जो कचरा है उसको इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता लेकिन ये जला करके ये और ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप जहाँ भी देखेंगे यहाँ पे हमारे अंकल भी है, मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा कि यहाँ से कितना प्रॉब्लम होता है। बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसा कि सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम बाबू ठाकुर हुआ जी। यहाँ से देखिए ये जला दिया गया, तो क्या आप कहना चाहेंगे, ये जलाना चाहिए कि इसको दूर ले जा करके फेंकना चाहिए? दूर फेंकना चाहिए, दूर ले जा करके फेंकना चाहिए ना, दुकान भी, क्योंकि ये जला देने के बाद क्या है, एक तो यहाँ रहता तो लोगों को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं था, लोगों ने घरों से वो कचरा को क्या किया, साफ कर दिया है ना, लेकिन ये जला करके हमारा क्या है, राख कर दिया जा रहा है। तो ये क्या होना चाहिए अंकल? नहीं होना चाहिए, भैया हमारे पास है, थोड़ा सा हम जानने की प्रयास करेंगे। भैया ये आपका दुकान यहाँ पे है ना, आप दुकान है और देखेंगे कि यही आपके ही दुकान के सामने ये लगा हुआ है, कचरा का डब्बा है मानते हैं, लेकिन जब उसको जला दिया जाता है हजारीबाग नगर निगम के द्वारा तो आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, वायु प्रदूषण हो रहा है कि नहीं? ये तो हो रहा है भैया, जितना लेकिन ये गलत हो रहा है, लेकिन हमारा दुकानदारी में ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जी, प्रॉब्लम हो रहा है। कस्टमर भी यहाँ पे आने के लिए आपका क्या है कि इनकार करता है, इनकार करता है ना। देखिए एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे आ जाएंगे, छोटा सा बाबू आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, आप पढ़ने वाले हैं, बताइए ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या सही हो रहा है यहाँ पे, ये जला करके देखिए यहाँ के जितना भी वातावरण आप देखेंगे पूरा ये क्या है, गंदा हो चुका है। हमारे साथ युवा भाई भी है, कृपया एक मिनट हमारे साथ आएंगे भाई। देखिए ये सारे लोग भी युवा हैं लेकिन क्या है, बदलना चाहते हैं लेकिन देखिए हमारे डर से भाग रहे हैं। भाई साहब आपके ही बारे में बात करें, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कचरा का डब्बा रखा हुआ है,
कि हमारा हजारीबाग स्वस्थ बनेगा, लेकिन ये जब कचरा को जला करके ही राख कर दे रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है क्या? नहीं, बहुत क्या होना चाहिए भैया, इसको दूर लेकर फेंकना चाहिए ना जगह में इसको। लेकिन क्या है, ये जला करके यहीं देखिए राख हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये देख पाए ये सारा कुछ क्या है, ये हजारीबाग नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। हजारीबाग नगर निगम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस तरह के हरकतें ना करें, इसको दूर ले जा करके फेंक देंगे तभी यहाँ के लोग स्वस्थ से रह पाएंगे, और इस प्रकार से आप जला देंगे तो ये हमारा वायु प्रदूषण होगा और इससे यहाँ के जितने भी लोग हैं इसको तकलीफ होगा। यहाँ पे हमारे पास अंकल हैं और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर यहाँ के लोगों को इससे कितने प्रकार के समस्याएँ होती है, बताइए अंकल। देखिए सर, हम लोग को कहने का मतलब कि दुकान हम सेलून दुकान खोलेंगे, गरीब आदमी हैं और उसमें कचरा लेके हमारा कस्टमर भी नहीं आता है, अगला को भाड़ा हम देते हैं, अगला को ऐसी करते हैं तो आदमी को पहुंच नहीं पाता है, तो हम इससे भी परेशान रहते हैं कचरा से, इसे जाके कहीं और कहीं लग जाता है ना तो बहुत अच्छा रहता है गरीब आदमी को। जी यहाँ पे आप जैसा कि जान पाए कि अंकल बताएं कि ये जो हमारा कचरा है ये कचरा की डब्बा यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कचरा का डब्बा वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे घर वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे घर है, और सारे यहाँ के जितने भी निवासी हैं सभी को समस्याएं होती है, और ये कचरे के डब्बे से जितना समस्या नहीं होता है उससे ज़्यादा ये धुआं से समस्या होता है, क्योंकि ये जब जलता है ना ये सारे जितने भी नज़दीक नहीं इससे दूर दूर तक भी ये कचरा फैलता है और वायु प्रदूषण होता है और सभी को सांस लेने में तकलीफ होता है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे युवा भाई भी हैं। भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये दृश्य आपको कैसा देखने को लग रहा है, कि क्या हमारा हजारीबाग शहर जो है ये स्वस्थ बनेगा क्या? ये हमारे स्टार सिटी हजारीबाग शहर में जी ऐसा जो देखने को मिल रहा है ऐसा देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हजारीबाग में बच्चा से लेकर युवा तक काम करते हैं जी, और ये धुआं फैला करके देखिए ये कचरा का डब्बा भी काला पड़ गया, मतलब जल रहा है ना, कब से जल रहा है वो साइड मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा सा आएंगे ये साइड और जला हुआ है, ये साइड और जला हुआ है, और ये जो देखिए सबसे मेन बात क्या है, ये जो कचरा का डब्बा है ना ये भी आप देखेंगे कचरा पर ही है और ये जल करके नीचे भी राख हो चुका है। मतलब क्या है कि हजारीबाग का जो नगर निगम है ये कचरे पर ही ये कचरे के डब्बे को रखते हैं और फिर से ये आग लगा देते हैं ताकि ये कचरे को यहाँ से फेंकने की ज़रूरत नहीं है। भैया आप कचरा घर से ला करके डालिए, हम यहीं पे जला करके राख कर देंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन आज हमें आवाज़ उठाना होगा कि ये धुआं यदि इस माहौल में फैलेगा तो क्या होने वाला है। आप क्या कहेंगे भैया, आप हमारे साथ आएंगे थोड़ा सा, एक मिनट आएंगे, हमारे साथ इतने सारे युवा भाई हैं और इसके विषय में बात करना चाहूँगा कि ये धुआँ सभी को तकलीफ दे रहा है, ये धुआँ सभी को प्रदूषण दे रहा है, तो क्या कहेंगे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये धुआं से बच्चे या बड़े सभी को बीमारी हो सकती है जी, क्योंकि ये CO2 गैस जो बनता है उसे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसे यही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कचरा फेंकना है तक ठीक है, इसको उठा करके बाद बाहर फेंकना चाहिए, गाड़ी वाला आता है उसमें ला दीजिए काम करेंगे, हम यहाँ जलाएंगे कि शायद ही किसी दिन इस डब्बा को ले जाया गया होगा, क्योंकि यहीं पे पड़ा हुआ है और सारा आप देख पाएंगे जितने भी है ये सारा कुछ जल करके यहाँ ढेर हो चुका है, जला हुआ आप समझ पाएंगे। देखिए हमारे साथ इतने युवा भाई हैं और सभी को देख रहे हैं और सभी को तकलीफ है इससे, है ना, सभी को तकलीफ है। तो मैं हजारीबाग के नगर निगम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्रकार के हरकतें कृपया ना करें, यहाँ पे जब कचरा डाला जाता है जिसको कृपया करके उठा करके बाहर शहर से फेंक दें तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन ये जला करके यदि आप यहीं राख करना चाहेंगे तो आपका ये अच्छा नहीं होगा और हमारा हजारीबाग शहर कभी भी स्वस्थ नहीं बन सकता है। क्या भाई लोग आप क्या कहना चाहेंगे, ये इस तरह से स्वस्थ होगा क्या? देखिए सारे युवा हैं और सबको तकलीफ है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है, क्यों नहीं बोलना चाहता है कि भाई कैमरा के नज़र में आ जाएंगे तो कहेगा कि ये भी बोल रहा है, लेकिन आज सभी युवाओं को हमारे साथ भी आवाज़ उठाना होगा तभी इस प्रकार के जो ये गंदगियां हैं ये फैलने से बच सकता है। हम भी सह करके रह जाएंगे, आप भी सह करके रह जाएंगे, तो ये नगर निगम आज जला रहा है ना, कल से ये डब्बा भी जल जाएगा और फिर यहाँ लगेगा भी नहीं और भी लोगों को तकलीफ होगा।
है ना अंकल? ठीक है, यहाँ भी हमारे साथ भैया भी हैं, आप भी कुछ बताइए क्या आपको लग रहा है? नगर निगम वाला क्या कहेंगे भैया? डब्बा यहाँ जो है वो वहाँ तक सही है, लगाना सही है। नगर निगम वाले का काम है कि कचरा को यहाँ से उठा करके कहीं दूर में ले जा करके फेंक दे, जहाँ जलाने से दूसरे को दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ तो और जगह के और नहीं है जी, बगल में घर है, मेडिकल है, दवा दुकान है, सब कुछ है। और यहाँ पर स्टूडेंट लोग आता जाता है, यहाँ क्या कहेगा? यहाँ के हम के लिए स्टूडेंट लड़का लोग रहता है, पढ़ता है, स्टूडेंट सारे लोग आता है दुकान करने के लिए, कचरा देख के घूम जाता है, इधर घूम के आगे बढ़ जाता है। जैसा कि दोस्तों ये जो रोड है, इस रोड में अभी थोड़ा रात हो गया है, जैसा कि आप देख पाएंगे 8 बजने वाला है, इसी वजह से अभी कम है, लेकिन यहाँ पे इस रोड में स्टूडेंट का ही ये जो देखेंगे कारवा चलते रहता है और ये तकलीफें सभी को झेलना पड़ता है, लेकिन हमारे साथ कोई आवाज नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि सबको ये तकलीफ है, लेकिन बोलना क्यों नहीं चाहता है। हमारे साथ एक भैया है और हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे भैया, ये जो कचरा का डब्बा है और इसको जला दिया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अगल बगल के आदमी भी आता इसके बारे में, हम ये कहेंगे कि सही किया है, जला दिया है, लेकिन नीचे जलाना चाहिए, नीचे जलाना चाहिए। आप कह रहे हैं ना नीचे चलाता फिर भी तो वही होता ना, ये तो वायु प्रदूषण होता ना। नथिंग पॉइंट, कैसे नथिंग पॉइंट आप बोल रहे हैं? नो नो, जलाना चाहिए मतलब आप कह रहे हैं? नहीं, नीचे जलाना चाहिए। नीचे जलाता फिर भी तो ये वायु प्रदूषण होता ना? वायु प्रदूषण नहीं होता, वायु प्रदूषण जी आप कह रहे हैं कि नीचे जलाना चाहिए, लेकिन कचरा का डब्बा में ही लगा दिया गया है ना, ये तो गलत है ना? गलत है जी। तो ये मैं कहना चाहूंगा हजारीबाग नगर निगम से कि ये नहीं होना चाहिए, है ना? कचरा का डब्बा में लोग ने डाला तो आप इसको बाहर ले जा करके फेंक दीजिए, है ना? तो यही चाहिए। तो मेरे बात सुनिए, हमारा कहने का मतलब है कि दुकान जो किया है अगला गरीब आदमी किया है, अगला बड़ा आदमी अपना ले लिया, कस्टमर भी नहीं आता, कस्टमर नहीं आता है, फिर गरीब आदमी मर जाएगा, नहीं फिर कहाँ से देगा वो घर? गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा? तोड़ के नहीं देगा, कहाँ से देगा? कस्टमर आएगा जब साफ रखेगा तभी ना, आप गंदा रहेगा तो कैसे होगा? गाड़ी लगा सकने के लगाने की जगह नहीं है, आपको गाड़ी रहता कोई करता है। यहाँ पे कचरा का डब्बा लगा हुआ है और इस प्रकार से ये वायु प्रदूषण भी हो रहा है और सारा प्रदूषण भी हो रहा है, लेकिन हजारीबाग के नगर निगम इससे लेकर के कोई कदम नहीं उठा रहा है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा हजारीबाग नगर निगम से कि ये कचरा का डब्बा को यहाँ पे भर जाने के बाद उठा करके आप बाहर कहीं ले जा करके फेंक दीजिए, तो वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मच्छर से आदमी गंदगी से मच्छर से घुस जाता है, सारा बीमारी फैल जाएगा। तो बीमारी तो फैलेगा ही, इस प्रकार से और बीमारी फैलने वाला है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप जल्दी से नगर निगम के लोग यदि देख रहे हैं तो इस डब्बे को जल्दी से यहाँ से खाली कर दें, ये जो लगा हुआ आग इसको भी बुझाने का प्रयास करें। और दूसरा बात ये है कि ये कचड़े का डब्बा में सारा कुछ सूखा हुआ नहीं रहता है, जिसके वजह से ये धुआँ और ज़्यादा बढ़ जाता है। सूखा हुआ होने के बाद वो जलता है धधक करके तो धुआँ नहीं होता है, लेकिन ये आधा सूखा हुआ आधा गीला, इसके वजह से ये धुआँ कब से फेंक रहा है, कब से निकल रहा है और ये निकलता रहेगा का बहुत देरों से, है ना? और इस प्रकार से हमारा वायु प्रदूषण होता रहेगा। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको साफ किया जाए, तभी हमारा हजारीबाग शहर स्वस्थ बन सकता है, हमारा देश स्वस्थ बन सकता है। सफर नया भारत की कामना करते हुए मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।